पांच साल में आप सब लोगों को मालूम है जितना 2002 से लेके और 2017 तक 15 सालों में भुगतान हुआ उससे ज्यादा भुगतान हमने पांच साल में गन्ने का किसानों को किया है। डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान के खाते में पूरा पैसा गया है। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत पूरे प्रदेश में एक भी किसान के पैसे के संबंध में ये नहीं आई कि कहीं किसी का पैसा इधर उधर हुआ हो। हमने ये लक्ष्य तय किया था गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी करने का 2022-23 के लिए। इसमें हमने जो लक्ष्य रखा था सर्वेक्षण नीति का, क्योंकि पूरे गन्ना का सर्वे कराया जाता है कि कितना गन्ना आपके बढ़ा है घटा है, इसके लिए जो हमने लक्ष्य तय किया उसे समय से पूरा करने का हमने फोकस किया है। इससे ये हमारा समय पे पूरा होगा और इससे सबसे बड़ी बात जो होगी गन्ना किसानों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण होगा, क्योंकि सर्वे में ही पहले बेईमानी हेराफेरी हुआ करती थी कि किसान कोई भी, जो किसान तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जो बहुत से ऐसे थे कि फर्जी जमीन 4 एकड़ है उसे 14 एकड़ दिखा के अपना वो करा लेता था पर्ची और सट्टे का काम। इसलिए अब जो हमारा सर्वे है वो बिल्कुल 100% एकदम सही सर्वे हमारा, हमने लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए हमने स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने इसका पूरा सर्वे कराया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधलेबाजी सर्वे में नहीं हो सकती। हमने एक यूनिक ग्रोवर का ग्रोवर कोड भी आवंटित किया है। यूनिक ग्रोवर कोड के द्वारा प्रत्येक किसान ये जान सकता है उसकी पर्चियां कितनी हैं, उसका सट्टा कितना है, डेट कौन सी है, उसका कितना पेमेंट आ गया, कितना पेमेंट उसका उसे लेना है, ये सारी चीजें यूनिक कोड के द्वारा किसान को पता होगा। इसलिए ये जिसमें बहुत से लोग जो गन्ने की फर्जी रसीद बना के और ये करते थे, अब उसमें किसी प्रकार की कोई धांधलेबाजी की जगह कहीं उसको नहीं मिल सकती, ना इसमें कोई धांधलेबाजी हो सकती है। एक हमने जिस तरह से आधार कार्ड की तर्ज पे हमने 14 डिजिट का एक यूनिक कोड बनाया है जिसमें गांव, जमीन और इस तरह का उसका कितना गन्ना है, कितना ये है, ये सारा उसमें होगा। वो किसी भी प्रकार का कहीं भी यदि कोई गड़बड़ी ही कहीं आशंका भी ही करता है, मान लो कोई व्यक्ति, क्योंकि जालसाजी चल रही है, कोई व्यक्ति यदि उसमें भी गड़बड़ी करता है, जैसे एक मान लो मैंने बताया अभी कि जमीन उस पर 2 एकड़ है और 12 एकड़ वो कहीं हेरा फेरी कर दे, तो तुरंत हम यूनिक कोड से ये कन्फर्म कर सकते हैं राजस्व विभाग से कि इसकी एक्चुअल जमीन कितनी है। इसलिए ये यूनिक कोड के द्वारा जो हमने आधार कोड की तर्ज पे 14 डिजिट का यूनिक कोड बनाया है, इसमें किसी प्रकार की कोई आशंका गड़बड़ी की नहीं हो सकती। इसके अलावा हमने नैनो यूरिया के लिए, क्योंकि आजकल पहले आदमी किसान जाता था बोरा लद के यूरिया के लिए, नैनो यूरिया का प्रचार प्रसार सरकार के माध्यम से किया जा रहा है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा था कि हम 1 लाख हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल में नैनो यूरिया, क्योंकि आपको भी मालूम है नैनो यूरिया की वजह से एक तो पर्यावरण का कोई खतरा नहीं रहता खराब होने का, पर्यावरण में सुधार होता है। दूसरे नंबर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले एक डाउट ये रहता था
कि ये कहीं यूरिया नकली तो नहीं है, कहीं फर्जी तो नहीं, इस तरह का होता था। तो नैनो यूरिया से पर्यावरण के साथ साथ हमें ये भी सुविधा मिलेगी उससे लाने ले जाने में, एक किसी प्रकार की दूसरे नंबर यूरिया मास लेवल पे इम्पोर्ट होता है, इसलिए हमारी विदेशी मुद्रा की भी बहुत बड़ी बचत नैनो यूरिया के प्रयोग से हो सकती है। तो हमने जो इसका लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य के मुताबिक हमने 110% लक्ष्य इन 100 दिनों में पूरा किया है। गन्ना किसानों की आय में वृद्धि के लिए हमने एक 9 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है। इस 9 सूत्रीय कार्यक्रम में हमने जो बनाया है कि गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि कैसे हो सकती है, गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि के लिए हमने उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाया है। जो हमारे रिसर्च सेंटर हैं उनको और ज़्यादा एक्टिव करने के लिए हमने प्रयास किया है और उन रिसर्च सेंटरों पे उनके कार्यक्रम, उनको 15-15 दिन का प्रशिक्षण सरकारी व्यय पे हम लोग देते हैं, जिससे कि गन्ने में पहले आज से लगभग 35-35 साल पहले रिकवरी मुश्किल से 8-9% हुआ करती थी और आज वो रिकवरी वैरायटी जो नई नई ईजाद हुई उनके कारण आज 14% रिकवरी पे भी गन्ना है। तो इसी तरह से हमने गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए क्वांटिटी में, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी दोनों में वृद्धि करने के लिए उनके कैंप लगाए जाते हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है तो उनके प्रशिक्षण में हमने ये भी सोचा है कि गन्ने का विपणन और गन्ना मूल्य भुगतान, जो मैंने कहा है कि हमने 9 कार्यक्रम लागू किए हैं, तो गन्ने का विपणन और गन्ना मूल्य भुगतान किस तरह से जल्दी हो सकता है, त्वरित हो सकता है, इसके लिए हमने नीति बनाई है। इसके अलावा गन्ने की ढुलाई के लिए कम से कम हमारा ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो प्रत्येक मिल का, इसके लिए हम लोगों ने नीतियां बनाई हैं। चीनी उद्योग का सुदृढ़ीकरण, आप लोगों को अच्छी तरह पता है आदरणीय योगी जी की सरकार से पहले चीनी उद्योग सांसें ले रहा था, ज्यादातर चीनी मिल सरकार खुद ही बेचने चीनी मिल बेचना शुरू कर रही थी, ये स्थितियां बन गई थी और चीनी मिल भी नई तो कोई नहीं लग रही थी बल्कि पुरानी भी बंद होती जा रही थी। तो चीनी उद्योग का सुदृढ़ीकरण करने के लिए जैसे एक इथेनॉल की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने लागू की है, डिस्टिलरी की योजनाएं लागू की हैं, इस तरह से चीनी उद्योग का सुदृढ़ीकरण के लिए भी हमने ये इसमें 9 सूत्रीय कार्यक्रम में अपना वो किया है। पर्यावरण सुरक्षा, चीनी मिल से निश्चित रूप से धुआं भी निकलता है, चीनी मिल से पर्यावरण को कहीं किसी प्रकार का खतरा ना हो। गन्ना उत्पादन से लेके और गन्ने की पिराई तक, चीनी जब तक बने डिस्टिलरी में पहुंचे तब तक किसी भी प्रकार का